मणिपुर में तो एक नरसंहार हुआ है, 200 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग इंजर्ड हैं, और उसके बाद भी केंद्र सरकार चुप है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास इसी में है, वो हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे हैं। आज मणिपुर के लोगों को मरहम की ज़रूरत है, बेघर हैं लोग हज़ारों की तादाद में, और प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, वो पार्लियामेंट में बयान देने को तैयार नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री का जो रवैया है, ये अफसोसनाक है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ मौजूद है तारिक अनवर, जो कि जंतर मंतर पर मणिपुर को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तारिक अनवर, बता दें कि बिहार के कटिहार से निर्वाचन क्षेत्र से कई बार लोकसभा के लिए चुनकर आ चुके हैं और कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं। बता दें कि बीते समय में ये खाद्य पदार्थ मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर में जो कुछ हिंसा चल रहा है, जो कुछ वहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही है, उस पर इनका क्या कुछ कहना है। सरकार चुप्पी साधे हुए है, तो इस पर तारिक अनवर की क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, क्योंकि वो मणिपुर को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं। इतनी बड़ी घटना वहाँ हुई, इतने लोगों की जाने गई, इतने लोग वहाँ जख्मी हुए, बेघर हैं लोग हज़ारों की तादाद में जी। और प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, वो पार्लियामेंट में बयान देने को तैयार नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री का जो रवैया है, ये अफसोसनाक है और दर्दनाक भी है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष ने अच्छा कदम उठाया है। आज मणिपुर के लोगों को मरहम की ज़रूरत है, उनको संतुलना की ज़रूरत है, और विपक्ष के 20 सांसद अगर वहाँ गए हैं तो उससे उनको थोड़ा उनको बल मिलेगा, उनका हौसला बुलंद होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम उठाया गया है। जैसे ही चुनाव आता है, तमाम दंगे भड़कने लगते हैं देश में, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये तो जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास इसी में है, वो हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे हैं। जब से उनकी पैदाइश हुई है, जब से वो उनका जन्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का यही काम रहा है। सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि जब अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है, हिंसा होती है, उसके बावजूद मणिपुर को ही क्यों देखा जाता है, उसे दूसरी ओर राजस्थान है और पश्चिम बंगाल है, ऐसे राज्य भी वहाँ मौजूद हैं। देखिए, ऐसा है कि मणिपुर की जो घटना है, अगर उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो दूसरे राज्यों में नहीं हुआ है, वहाँ अगर कोई घटना हुई है, हम उसकी भी निंदा करते हैं, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर में तो एक नरसंहार हुआ है, 200 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग इंजर्ड हैं, और उसके बाद भी केंद्र सरकार चुप है, मुख दर्शक बनी हुई है। ये शर्म की बात है प्रधानमंत्री के लिए और केंद्र सरकार के लिए। तो आपने तारिक अनवर को सुना, साफ तौर पर आपने सुना कि कैसे वो सरकार को, केंद्र सरकार को और बीजेपी की सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो चुप्पी साधे हुए है, सरकार पे ही सीधा सीधा उनका निशाना था। बाकी आप पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज।